अच्छी लग रही है नीचे दूर से देखने में। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, गलत कर रहे हैं तू। Hey guys, what's up? Good morning and welcome back to channel Gym Walia hai. थोड़ा सा एक्चुअली मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। जो व्लॉग नकोदर गए थे, जो आपने ऑलरेडी देख लिया है, वो थोड़ा सा डिले हो गया था, तो उसको भी एडिट कर रहा हूँ। तो आज के व्लॉग की थोड़ी सी शुरुआत निखिल करेगा। दिवाली प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, कल दिवाली है, तो आज सारा ताम झाम है। मतलब आपके लिए व्लॉग आज दिवाली वाले दिन आएगा। स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, आज का प्लान है दिवाली की तैयारी, तो सारी सफाई वफाई करनी। मम्मी पापा भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, मतलब थोड़ी देर में दोपहर तक आएंगे, और हम लोग लाइट चेक कर रहे हैं क्या क्या सामान लाना है, बल्ब लेके आने हैं, फूलों का अरेंजमेंट करना है ताकि डेकोरेशन की जाए, क्योंकि 2 साल बाद दिवाली अच्छे से मनाई जा रही है। बिकॉज कोरोना की वजह से किसी ने भी अच्छे से दिवाली नहीं मनाई थी, एंड आई होप आप लोग भी अच्छे से और सेफ दिवाली मनाओगे। बच्चे हैं, बच्चे पटाखे चलाएंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े बम के गोले फाड़ने हैं। हमें कोई किसी को बताना नहीं है हम क्या कर रहे हैं। अच्छे अच्छे पटाखे चलाओ, शांति वाले पटाखे चलाओ, जिससे खुशियाँ हो, ताकि आपके जो पेट्स हैं, आपके एनिमल्स हैं, उनको कोई हार्म ना पहुँचे। सी यू इन अ वाइल। हाय 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 हाय। क्या क्या प्लान है अभी? सेकंड प्लान क्या है? सेकंड प्लान ये, जितनी भी तारे हैं पहले वो लगाएंगे ऊपर जाके, फिर देखेंगे बाकी कितने तारे रहती हैं, फिर ठीक वो है, लेकर आएंगे बाजार से, कल लगाएंगे उनको सुबह। कल नहीं, आज ही लग जाएगा आज ही सारा लग काम। जाएंगे, कल पर डालना नहीं कुछ भी, आज रात को कल जी लाइट ऑन गाएंगे, करनी है, छोटी दिवाली है, कल जी गाएंगे, आज रात आज जी रात को गाएंगे, जगानी पड़ती है। आज जी गाएंगे। हाँ कितने पहुंची गल? गल ये पहुंची है कि खुली नहीं कर दी थी। पंगा यार, एक बारी बना लो ना, गुंजल पाया अंदर, फिर गुंजल अगली बारी रोल करके रख, रोल करके रख। सिम्बा कितने? सिंबू। सो गाइस, अभी तक इतनी लगी हैं, तो हमें अभी वो वहाँ तक जाना है। तो एजेंडा है कि हमारे पास कम से कम 16 ये पड़ी हुई हैं, तो देखते हैं कितनी कितनी पूरी आती हैं। तो वी आर प्लानिंग कि अगर कम पड़ेंगी तो ये सस्ती आती हैं, ये वाली मिर्ची लाइटें 30-40 रुपए की, तो उस हिसाब से कवर कर लें। बिकॉज इस बार डेकोरेशन अच्छे से करनी है, बिकॉज अच्छे से मतलब अच्छे से। हैप्पी दिवाली गाइज। और दूसरा चीज़, घर की सफाई, वो जब काम वाली आएगी तभी हो पाएगी, और मम्मी शाम को आएंगे, उससे पहले हमें बल्ब भी लेके आने, जो जो बल्ब बाहर के ख़राब हो गए हैं। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइस, अभी लड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म नहीं मतलब कुछ चल रही हैं, कुछ सही से नहीं चल रही हैं, और जो उनको कनेक्टर जोड़ने वाले होते हैं वो भी लाने पड़ रहे हैं। तो मैं और निखिल सोच रहे हैं कि सिटी जाने की जरूरत नहीं इस चीज़ के लिए, तो हम अपने गाँव से जाके ले आएंगे। नज़दीक में छोटी शॉप्स में भी सामान अच्छा मिल जाता है, और लड़ियाँ तो सस्ती होती है, 30-40 रुपये की। तो हमारी वो वाली साइड पूरी हो गई है, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। तो आज के लिए इसका डाइट प्लान चेंज हो रहा है, तो जब भी इसको ब्रेकफास्ट या डिनर देते हैं उसमें 2 अंडे डाल के देते हैं विद होल येलो, बिकॉज सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा जाना चाहिए, तब ये सांड जो है खुश रहता है। अंडे इज़ गुड फॉर बॉडी, नॉट फॉर ह्यूमंस, एज वेल फॉर डॉग्स। तो आप डॉग्स को दे सकते हो अच्छे से। और हमारे लाइट का काम कहाँ तक पहुँचा अभी? अभी बस चल ही रहा है, अभी यहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, अभी ये वाला सारा एरिया से बोल सारा एरिया एवरीथिंग, और ये जगमग जगमग, और ये भी रहता है, अभी ये भी रहता है, ये कुत्ता भी रहता है हमारा। वैसे सफाई वफाई हो गई है सारी, गाड़ी तो साफ कर दी है, इधर आ जा, मार बड़ी पड़ेगी। सो नेक्स्ट प्लेयर है कि मैं नहाऊंगा फटाफट, निकल नहा चुका है, तो हमें मार्केट जाके कुछ 2-3 चीज़ें लेके आनी जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक साइड की थोड़ी सी लड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो मेरे को आज फुली पैक करके इसको अच्छे से डेकोरेट करना है, ताकि रात को हम पापा मम्मी के साथ, नानी के साथ अच्छा से फोटोशूट कर सकें, और सिम्बा का भी फोटोशूट कर देंगे। इसका भी घर से जाना है, निखिल बोल रहा है कि इसका घर से जाएंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी ऐसा क्या होता है दिवाली पे, जब आप सारे दिन सफाइयाँ करते हो ना, देख देख इसको, देख इसको, देखो खारिश कितनी है। क्या हुए वो बंदर? हमारा कुत्ता, कुत्ता नहीं बंदर है।
तो ठीक है यार, मैं ज़्यादा चटाऊंगा नहीं दिमाग अपना और आपका दिमाग चाटूंगा नहीं। तो आपने अगर कल का व्लॉग जो देखा होगा नकोदर वाला, उसको खूब प्यार देना, सबको दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा गाइस। तो मैं आपको नहाने के बाद मिलता हूँ, और ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया, सोचो अभी कितने काम बाकी हैं। अभी फूल लाने हैं, अभी डेकोरेशन और अच्छे से होनी है, वही मम्मी आके पता नहीं क्या क्या ताम झाम बताएगी, तेल लगाना सर को बहुत काम है गाइस। वो देखो कहते हो शायद गाइस फौजी आज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कुछ तो हुआ लगता है, कॉन्वॉय जा रहा है, गालियाँ पड़ रही इनको भी। तो हम दोनों रेडी होके तैयारी में ही ऑलमोस्ट। बाप रे इतना लंबा कॉन्वॉय है ये, ओ भाई साहब। ये हिमाचल जा रहा होगा, आई थिंक लद्दाख, आई थिंक सो। ये सब लद्दाख जा रहे हैं। हाँ लद्दाख जा रहे हैं सब। कितने जा रहे हैं? लद्दाख। लद्दाख तो नहीं जा सकते, तो इतना कहाँ जाएगा धर्मशाला? पता नहीं कितने जा रहे हैं। सो गाइज इसको जाना है अभी बाल कटवाने, मेरे को तो कटवाने नहीं, बिकॉज हमारा प्रॉमिस अनस के साथ था कि हमारे बाल मुंबई में ही कटेंगे। ऐसा नहीं बॉम्बे में, मैं यहाँ पे भी कटवा सकता हूँ, बट फिर वो कलर वलर सारी सेटिंग वेटिंग उसको पता है जो जो करना है, फिर बार बार वो हॉच पॉच हो जाता है कि नई जगह पर जाओ, नए वाले एड्रेस को बताओ ऐसे नहीं ऐसे करना है। सो दैट इज़ समथिंग टफ फॉर मी, सो दैट आई डोंट वॉन्ट टू गेट माई बाल गॉट फक्ड अप। सो ये जाएगा बाल कटवाने, मैं बैठूंगा नीचे। अगर प्रभ जो फ्री हुआ तो मिलूंगा, नहीं हुआ तो फिर मेरे को और क्या काम करने हैं। हाँ मेरे को एक दो और काम है लड़ियों वड़ियों के, तो मैं वो जाके कर लूँगा, है ना, मैं वो सारे काम निपटा दूंगा जाके, तब तक यू नो बैलेंस हो जाता है। और पापा मम्मी भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो उनको भी हम यहीं पर मिल लेंगे, फिर तो एक ही साथ में निकल जाएंगे। उनको स्वीट्स लेनी है, दिवाली है भाई, त्यौहार है, मिठाई है, खाओ, खुश रहो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, घर वालों को तंग मत करो, पटाखों के लिए ज़्यादा इरीटेट मत करो, थोड़े से पटाखे चलाओ, खुश रहो, स्मूथ लाइफ जियो, ओके बाय बाय। और हमारे मुंबई जाने के लिए कल 4 तारीख है, कल 4 फिर 5 है, फिर 6 को हम निकल जाएंगे, और 7 को हम मुंबई पहुंच जाएंगे, और मुंबई में हम टिकेंगे नहीं, हम उसके बाद और भी प्लान करेंगे। अब हमने कसम खाई, हम घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या, मस्त रहो, मस्त मस्त। हैप्पी छोटी दिवाली वीर जी, रब थोड़ी जिंदगी दिवालियां बनाता रहे, बहुत सारी नोट बरसते रहे, ऐसी वाली बिल्कुल ऐसी वाली, मतलब बिल्कुल ऐसी, कैसी वाली चाहिए आपको, ऐसी वाली? तो गाइस लड़ियां हम लोग ले आए हैं बाजार जाके, पर बहुत टफ मिली यार येलो वाली। जब हम पहुंचे बोले खत्म हो गए, खत्म हो गई, जिसको बोलो खत्म हो गई हैं। तो पठानकोट सिटी में हमने गाड़ी घुसाड़ी नहीं, बिकॉज हमें पता था गाड़ी शहर के अंदर गई तो गालियाँ इतनी पड़ेंगी ना कि मतलब ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, बिकॉज हमें अपने बाप का पता है, हमारा बाप कैसा है। पापा जी लव यू। चल लगा शुरू कर। अच्छी लग रही है नीचे दूर से देखने में? इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, गलत कर रहे हैं तू। रुक जा एक मिनट। तो अभी हम लोगों ने क्रॉस चेक मारने के लिए किया है, कुछ तीन दो दो तीन लड़ियाँ कम है, दो कम है, दो 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 ही तो कॉर्नर लगने हैं, और एक पेड़ के ऊपर लगानी है। क्या हुआ? तो एक बार लाइट ऑन करके देख, मैं देखता हूँ कैसी लग रही है। तो गाइस क्रॉस चेक करते हैं एक बार कैसा लग रहा है। ओके ओके फाइन फेयर इनफ। ये जो ये सेंटर में छोटी वाली आई थी ना, ये ज़्यादा चमक रही है अभी, बाकी लाइट है जो हमारी पुरानी थी ना वो लाइट है, ये वाली हम बाद में लेके आए ना, ये वाली अच्छी चमक रही है, जो हमारी पुरानी वाली है वो कम लाइट थ्रो कर रही है, बट ठीक है रात को उनकी लाइट तेज़ हो जाएगी। उसमें गैप ज़्यादा है ना। किसमें? बड़ी वाली में आप देखो, येलो वाली में गैप ज़्यादा, इसमें गैप कम कम है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसको तो सही ध्यान आना। अच्छा सो गाइज लेट मी प्रेजेंट यू वॉट मी एंड निखिल डेड। वी ट्राइड अवर बेस्ट टू मेक अवर हाउस लुक बेस्टेस्ट बेस्टेस्ट, गलत इंग्लिश होगी, सॉरी, बेयर विद मी। सो कुछ ऐसा हमने जुगाड़ किया लेडीज एंड जेंटलमैन। ओ माई गॉड क्या बोके इफेक्ट आ रहा है भाई साहब।
इससे क्या होता है? दर्द होती है। नहीं, दर्द कम होती है ज्यादा होती है? किसी बोले ज्यादा ही होने वाला कट ही होंगे। पर इससे ठीक हो जाती है? फिर ठीक है। तो आपके दिमाग से है कोई फर्क? बे मैं सो गाइस, घर वाले आए हैं, यहाँ इफेक्ट अच्छा रहोगा अभी। तो घर वाले आ गए थे तो खाना पीना यू नो, फिर समोसे ये वो सो, थोड़ा सा मैंने कहा कहने लड़ाई भी कर ली उस बीच में। तो ओए, तो निखिल वो एक लाइट बता रहा था, कहता बहुत अच्छी लाइट है भैया, इसको कल यूज़ करेंगे। तो कल का प्लान जो है, ओ शिट, ये कीड़ा कहाँ से आ गया। सो आज के वीडियो को गाइस हम यहीं तक रखते हैं। ये पूंछ है कि क्या है समझ नहीं आ रहा, पर मेरे मुंह पे उड़ रहा है। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखा और आप लोग के घर में भी दिवाली की तैयारियाँ ऐसे ही चली हैं तो कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में। और बहुत सारा प्यार जो आप लोगों से मिल रहा है वो अच्छा लग रहा है, तो अपना प्यार ऐसे देते रहो। इसी के साथ अलविदा लेते हैं आज के व्लॉग के लिए। छोटी दिवाली सबको मुबारक हो, अपने अपने घर में अपने अपने जो जो माँ बाप के साथ दिवाली मना रहे हैं। और एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो लोग घर से बाहर हैं, ये मैं भी ऐड ऑन इसलिए करता हूँ, आज पहली बार किया है, सिर्फ और सिर्फ दिवाली के मौके के लिए। बिकॉज मैं भी घर से जब भी बाहर होता हूँ ना, तो मेरे को भी फील होता है यार दिवाली अकेले मनाना, मतलब दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो घर वालों के साथ मनाया जाता है। तो आई फील कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फीलिंग इंडियन आर्मी समझती होगी कि वो बेचारे इतनी दूर हमारे लिए बॉर्डर सिक्योरिटीज़ पे बैठे हैं, कारगिल मतलब इतनी दूर से, मतलब इतनी इतनी हाइट पे बैठे हैं ना, मतलब मैं लद्दाख जाके फील करके आया हूँ, तो उनकी फैमिली उनसे दूर होती है, उनको कैसे लगता होगा। तो सल्यूट टू इंडियन आर्मी और सल्यूट उनको भी जो घर से दूर बैठ के दिवाली बना रहे हैं। डोंट वरी, आप लोगों के साथ हम हैं, हम लोग अपने दिल से दुआ करेंगे आप सबके लिए। तो टेक केयर, गुड नाइट, लव यू, राम राम।